इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है, तालियां मिलनी चाहिए। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। तो गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस्दिन श्रु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब अहिंसा के पुजारियों, अगर आपका समर्थन नहीं मिला तो ये मेरा आंदोलन अधूरा रह जाएगा। उठाना अगली पंक्ति, देश को मैसेज देना चाहता हूं। हम ऐसी गौ माता को, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कई कट ले देंगे। हम ऐसी गौ माता को भाई चाचा। और जब ये पंक्तियां मैं पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश में एक शहर है रायबरेली, वहां मैंने इतनी कविता पढ़ी, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। तो मेरी जात का दो तीन लोग आ गए चाकू छुरी लेकर, मुझे कहा अच्छा मियाँ गाय की रक्षा की बात करेगा तो तुझे गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे, जबान काट लेंगे, जात से बाहर निकाल देंगे। मित्रों, वो लोग मुझे धमकाते रहते हैं, पूरा देश जानता है, ये कभी जानते हैं जब से मैंने कविता लिखी है, मैं हर मंच पर इसे पढ़ता रहा हूं, और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जिस पर कृपा संत की हो वो बदहाल नहीं होता है। जिस पर कृपा जैन संत की, जिस पर कृपा जैन संत की वो बदहाल नहीं होता है। बुरा 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 कभी भी उसका हाल नहीं होता है। और मुझको धमकाने वाले धमकाते रहते लेकिन नमोकार रटने वाले का पाका बाल नहीं होता है। और अंतिम पंक्तियां कह रहा हूं भाई चाचा, कि त्रेता युग में गौ माता की, त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। वाह! त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। कामधेनु गौ माता पर जब जब भी संकट आए थे, परशुराम ने फरसे से गोहंता मार भगाए थे, और द्वापर में तो इस माता ने हर एक बोल बदल डाले, गाय चरैया श्री कृष्ण ने हर भूगोल बदल डाले। गौ माता का दूध पिया तो महाबली बलराम हुए, गौ माता का दूध पिया तो नाथ त्रिलोक की शाम हुए, गौ माता का दूध पिया तो माधव मन मुस्काया था, सिर्फ एक अंगुल पर ही वो पर्वत भार उठाया था। तो गौ माता का दूध पिया तो, अरे गौ माता का दूध पिया तो पी करके तल जाता है, और चाय बेचने वाला तक भी राष्ट्र प्रमुख बन जाता है। और अंतिम पंक्तियां, एक शब्द आएगा आबे जमजम, अंतिम पंक्तियां। आबे जमजम मक्का मदीना का पवित्र जल है, हमारे हमारी जब मौत होती है तो मुंह में देते हैं कि उसको जन्नत मिलेगी। मैं राजस्थान का बाशिंदा, मुस्लिम माँ का बेटा, अंतिम पंक्तियां कह रहा हूं। और मेरी विशेषता तो यह है कि नील गगन में तीन रंग की ध्वजा सजाने निकला हूं, और सिर से कफन बांध कर मैं रण रंग रचाने निकला हूं। मैं कोई साधारण नहीं हूं, क्यों? क्योंकि नील गगन में तीन रंग की ध्वजा सजाने निकला हूं, नील रंग में तीन गगन की ध्वजा सजाने निकला हूं, सिर से कफन बांध कर मैं रण रंग रचाने निकला हूं, और मैं अपनी मुस्लिम माता का एक अनोखा बेटा हूं, गो हत्यारों की बस्ती में गाय बचाने निकला हूं। तो बस अंतिम पंक्तियां कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, गौ के बदले भू के सिंह के आगे खुद को खड़ा किया, और ऋषि चवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी, रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी, दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था, महावीर के मन में भी गौ का भरा उजाला था। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया, हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया, इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूँ। इसीलिए चेन्नई वालों एक वसीयत करता हूँ, मेरी वसीयत पर तालियों का ठप्पा लगाना और मुझे विदा करना। इसीलिए क्या हिंदू
क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया? हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया, इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूँ। इसीलिए ओ चेन्नई वालों, एक वसीयत करता हूँ कि मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा हृदय खिला देना और आज जमजम के बदले गौ माँ का दूध पिला देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे भारत माता की, भारत माता की। आंदोलन समाप्त। बहुत डरा धमका गए सबको, बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। दोस्तों, राजस्थान का शौर्य अगर आप में उनको दिखाई दिया हो, उनमें आपको दिखाई दिया हो, तो एक भी हाथ खाली ना रहे। जोरदार तालियों से हम विदा करना चाहते हैं। बहुत शानदार उन्होंने पढ़ा। और आइए अब मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पिंटू भाई को भी जाना है और आप लोगों को भी जाना है, मैं सब समझता हूँ। लेकिन मैं अब जिनको आमंत्रण देना चाहता हूँ, वो पहले भी कई बार आप लोगों के बीच आई हैं। इस कार्यक्रम में आज वो पहली बार इसलिए आई हैं क्योंकि कार्यक्रम ही आप लोगों ने पहली बार कराया है। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूँ। अभी मेरे को स्थितियाँ याद आती हैं। अनामिका क्या है ये आप लोग जानते हैं। कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं है जिस पे अगर कविता की बात हो तो आप लोगों का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आप लोगों की बेटी, आप लोगों की पुत्रवधु डॉक्टर अनामिका जैन अंबर का जिक्र ना किया जाता हो। आज ये गौरव का विषय है कि आप लोगों के सामने साक्षात वो यहाँ पर हैं। मुझे वो घटना याद आती है, एक झांसी के पास स्थान है ओरछा, मैं, अतुल और अनामिका, हम तीनों उस कवि सम्मेलन में वहाँ पर गए थे। थोड़ा जल्दी पहुँच गए तो हम लोगों ने आयोजकों से कहा कि कुछ जो विशेष हो वो चीज़ हमें घुमा करके लेकर के आओ। दोस्तों, आश्चर्य की बात ये थी कि मंदिर के बिल्कुल सामने एक बड़ा किला है। आप लोगों ने कोई अगर ओरछा के दर्शन किए तो देखा होगा, उस किले में हम लोगों ने प्रवेश किया तो वहाँ पर हमने पूछा कि इसका क्या विशेषता क्या है। बोले यहाँ पर एक तिलिस्मी ताल तलैया है, एक अतिशय युक्त ताल तलैया है। हम लोग उस ताल तलैया के निकट गए, हमने कहा क्या है अतिशय इसका। बोले इसके निकट कोई भी आकर के अपना नाम ले तो वहाँ से जवाब लौट करके आता है। मैं उस ताल तलैया के निकट गया, मैंने कहा सौरभ जैन सुमन, आवाज लौट करके आई सौरभ जैन सुमन, सौरभ जैन सुमन, सौरभ जैन सुमन। अतुल ज्वाला ने प्रयास किया, बोले अतुल ज्वाला, आवाज लौट करके आई अतुल ज्वाला, अतुल ज्वाला, अतुल ज्वाला। डॉक्टर अनामिका अंबर ने प्रयास किया, बोले अनामिका जैन अंबर, आवाज लापता। उन्होंने फिर प्रयास किया, बोले अनामिका अंबर, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। तो निकट में एक बाबा जी बैठे हुए थे, मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैंने आवाज दी तो वहां से जवाब आया, अतुल ने आवाज दी तो उत्तर आया, लेकिन अनामिका ने जब आवाज दी तो कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, ऐसा क्यों? उस बाबा का उत्तर अगर ठसके की तरह लग जाए तो एक भी हाथ खाली ना रहे। आमंत्रण देना देश की उस बड़ी कवित्री को जिसका नाम अनामिका अंबर होता है। उस बाबा ने कहा कि सौरभ, इस काव्य कुल में सौरभ सुमन का कोई जवाब हो सकता है, अतुल ज्वाला का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन अनामिका अंबर का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वहां से कोई उत्तर नहीं आया। मैं बहुत अदब के साथ आमंत्रण देता हूं डॉक्टर अनामिका अंबर को कि वो आए और जितनी देर वो चाहें वो आप लोगों के सामने कविता पढ़ें। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं डॉक्टर अनामिका अंबर। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं, मंच पर आसीन कवियों को प्रणाम करती हूं। बहुत देर से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत मन से आप सब सुन रहे हैं। मैं माँ शारदे को पुनः प्रणाम करती हूँ, भगवान महावीर का स्मरण करती हूँ, आपके बीच उपस्थित हूँ। एक निवेदन करती हूँ, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचे। वैसे आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अच्छी पंक्तियों पर आपकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मंच तक आ रही है, पर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। काव्य पाठ, हाँ इतनी ताकत भी नहीं है। अब्दुल जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत शानदार माहौल बना दिया है। चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ। हाँ नाम सुने। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान कीजे हो, बस यही मन मुझे चाहिए, बहुत आभार। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय
गुण गान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की आर उससे हुए कल्याण की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की आर उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। वो पंक्तियां जिन्होंने कहीं मुझे पहचान दी, भगवान महावीर के चरणों में समर्पित करती हूँ। और कहीं आपको लगे कि हाँ आपको भी यही कहना था तो मेरा समर्थन कर दें, मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। सुने अश्विन जी बैठ जाएं, ये आपका सातवां फेरा है और इतने में विवाह संपन्न हो जाता है। मैं सारी बात करूँगी, आप तक पहुँचूँगी, लेकिन बस मेरा मन बना दें, मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि जहाँ पर देव दर्शन हो वही भाव पार होता है। वाह, बहुत आभार, थोड़ा सा उत्साह और दीजिए। बहुत देर से आप तालियां बजा रहे हैं, बहुत थक गए होंगे, लेकिन मेरा मन है कि मेरे मुझ तक आपका समर्थन पहुँचे, आपका उत्साह पहुँचे, तो ये मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है कि मैं दुगने आनंद के साथ आप तक पहुँचूंगी, आप तक मेरी बात पहुँचेगी। सुने कि जहाँ पर देव दर्शन हो वही भाव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भाव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार हो। बहुत आभार। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। ये मुनि, ये साधु आज की डेट में, आज के दौर में हमारे लिए क्या है? वो संत जो कहीं जैन धर्म से अवगत कराते हैं, वो संत जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, ऐसे संतों के चरणों में चार पंक्तियां रखती हूँ। कहीं आप भी मेरी बात से इत्तफाक रखते हो तो आपका मन मुझ तक पहुंच जाए। सुनिएगा कि जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में। जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। ऐसे अवतार, ऐसे भगवान, ऐसे साधुओं के चरणों में चार पंक्तियां रखती हूँ। वो लोग जो ये नहीं जानते कि इनकी चर्या क्या है, अश्विन जी ने मुझे इस बात के लिए आदेशित किया, मैं वो पंक्तियां उनकी डिमांड पूरी करती हूँ और वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। ये जो बीच में खड़े हैं, जिनका मोबाइल आ रहा है रात्रि के इस प्रहर, हाँ इस तरह से इस प्रहर दो ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले का। इन्हें देख के लग नहीं रहा कि उधार वाले। बैठ जाएं। सुने, मैं आप तक सारी बातें पहुंचाऊंगी पर मेरे कर्तव्य का एक बार निर्वहन हो जाए, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो लोग जो हमारे साधु संतों की निंदा करते हैं, कहीं आपसे ये बात उन तक पहुंच जाए और मेरी बात सच्ची अच्छी लग जाए तो मुझे आपका मन मिल जाए। सुनिएगा कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। वाह वाह। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु
कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बहुत मन से आप पहुंचा रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया, मैं उतने ही मन से पहुंचाती हूँ। कोई यदि ऐसा बैठा हो जिसे मेरी ये बात बुरी लग जाए, मुझसे बहुत लोग कहते हैं अनामिका तुम्हें सार्वजनिक रूप से ये पंक्तियां नहीं कहनी चाहिए, ये कॉन्ट्रोवर्शियल पंक्तियां हैं, लेकिन आपका मन मिल जाए और मुझे थोड़ी सी ऊर्जा और ताकत मिल जाए तो मैं ऐसी पंक्तियां कहती हूं और अपने धर्म का निर्वहन करती हूं, अपने जैन समाज को अपने अंतर मन में रखती हूं और पंक्तियां निवेदित करती हूं। सुनिएगा कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, वाह। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, वाह वाह। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और लग जाए कि हाँ ये बात कहीं आपके मन से निकली है और अनामिका के शब्दों में हो गई हो तो आपका मन मुझ तक पहुंच जाए, एक सच्ची और अच्छी बात कहने का प्रयास करती हूँ कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। वाह बहुत अच्छे नाम का, वाह 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 वाह। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत आभार, मेरे कर्तव्य का निर्वहन हुआ क्योंकि समय की एक सीमा है। बहुत धन्यवाद। नहीं मैं अभी जा नहीं रही हूँ, आप इतने घबराइए मत, ये गुलाबी नगर इस तरफ खड़ा है, मैं इसे विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ, आदरणीय पिंटू जी का आदेश है, यहाँ पर खड़ी हूँ। और बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि बैठ जाइए जनाबों, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, बैठ जाइए जनाबों, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बहुत अच्छे, तो आप तो बस बैठे रहे, बहुत अच्छे, क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत शानदार श्रोता हैं। मैं आपके बीच आकर के अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही हूँ। अच्छा ये वही है क्या जिन्हें मैं आगरा में ढूंढ रही थी और पता चला यहाँ शिफ्ट। बहुत आभार, बढ़िया सुन रहे हैं आप। मैं कर्तव्य निर्वहन की चार और पंक्तियां आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं सीधे आपसे जुड़ती हूं। सुनिएगा मेरी बात, यदि आप एक एक पंक्ति मन से सुनेंगे तो मेरे साथ आपका मन हो चलेगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुने। अब्दुल गफ्फार जी ने काव्य पाठ किया, या यूं कहूं कि ये पंक्तियां मैं इन्हें समर्पित कर रही हूं और कहीं राष्ट्र भावना को अपनी पंक्तियों से गाती हूं, सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आपकी आह वाह आती रहे, हाँ एक बार आप वाह वाह करें, बिल्कुल सही। अब ऐसे ही करते, देखिए इतनी जोर से चिल्ला के मत, आप तो साथ साथ ऐसे ही जुड़े रहे। कभी दरिया के भीतर भी आप वाह वाह कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आप बाबा कर रहे हैं, और देश में बाबाओं की स्थिति आजकल ठीक नहीं है, वो तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ईश्वर स्वरूप मुनि मिले हैं, साधु मिले हैं, संत मिले हैं, वरना देश में बाबाओं की स्थिति ठीक नहीं है। कई बार तो मुझे देख करके इधर मंच पे ही ऐसे लग जाता है, आप देखिए, आपको मंच पे भी लगेगा आदरणीय डेरा प्रमुख
उसी स्टाइल में बैठे कुछ लोग, आशाराम स्वरूप आप कहीं भी देख सकते हैं। खैर मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक आ जाइए भाई साहब, आए पधारे। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। बैठ सब ठीक है, अब मैं शुरू हूँ। ताली ऐसे कर लीजिए हाँ, और अब ताली बजानी है। जितनी नारियां यहाँ बैठी हैं उन्हें भी ताली बजानी है, और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं उन्हें भी ताली बजानी। बस एक सूत्र देती हूँ, नारियां अपने हाथ को ऐसे करें और इसमें अपने पति को देखें और दूसरे हाथ को उस पर ठोकें। अच्छा पुरुषों से ये कहती हूँ कि पुरुष अपने एक हाथ को ऐसे करें, नहीं पत्नी को नहीं देखना है, ना ना ससुर जी को भी नहीं देखना। कितने अति सही शब्द हैं। इसमें इसमें आपको उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपकी शादी कराई। अब एक